सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना तेल का नींबू का अचार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी सही रखता है और इसे बनाना भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। आप इसे दाल चावल पराठे के साथ खा सकते हैं और बच्चों को भी ये टिफ़िन में दे सकते हैं आप। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरह बनाएंगे। फ्रेंड्स ये मैंने 300 ग्राम नींबू लिए हैं, ये बड़े वाले नींबू। ये 200 ग्राम है कुल मिला के, ये आधा किलो नींबू है। और ये काली मिर्च का पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, काला नमक लिया है और ये हल्दी ली है। और ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये हींग ली है और वो नमक रखा है। सबसे पहले फ्रेंड्स जो ये छोटे वाले नींबू हैं इनका हम पहले जूस निकाल लेंगे। ये 5-6 नींबू का पहले हम रस निकाल लेंगे इसमें एक प्याले में। और फ्रेंड्स आप जब भी अचार डालें कोई भी मेटल के बर्तन में न डालें, हमेशा प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करें। ये मैंने रस निकाल लिया है और ये अभी इनको भी देखिए आप इस तरह से काट लेंगे। ये बहुत बड़े नींबू हैं, देखिए आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ इसमें इस तरह से चार तरफ चीरा लगा के इसमें मसाला भर सकते हैं अंदर, इस तरह से भी डाल सकते हैं और इनके पीसेस काट के भी डाल सकते हैं। इस तरह से इनके पीसेस काट के डाल सकते हैं, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मैंने सबको काट लिया है इस तरह से, क्योंकि कई बार बच्चों को भी देना होता है तो छोटा अचार दे बड़ा वेस्ट होता है। एक बड़े बर्तन में हम नींबू का ये डाल देंगे पीसेस सारे, जो ये हमने छिलक निकाले थे ये भी डाल देंगे हम, ये भी यूज़ कर लेंगे। इनका ये भी अचार के साथ बहुत ही बढ़िया बनेगा। इस तरह की करछी लेनी है फ्रेंड्स, इसको हमें 2.5 से 3 चम्मच डालना है, इस तरह की करछी से डालना है। ये 2.5 चम्मच के करीब डाला है मैंने और 1 चम्मच हम इसमें ये काला नमक भी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच। 2 चम्मच हमने काला नमक डाला है, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच ये हम गरम मसाला डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच ही हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही तीखा बढ़िया बन के तैयार होगा ये अचार। और जो ये रस निकाला था नींबू का ये भी डाल देंगे सारा। और इसमें हम 1/4 चम्मच हींग भी डाल देंगे। फ्रेंड्स हींग ज़रूर डालिए इसमें, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये हींग इसे हाजमा भी बहुत ही अच्छा होता है। अभी इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं हर पीस पर मसाला लग गया है, हम इसे बिना तेल के बना रहे हैं। फ्रेंड्स ये हमने एक बर्नी ली है, इसको हमने अच्छे से सुखा लिया है, बिल्कुल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अब ये अचार हम इसमें डाल देंगे, अब इसे हम डाल करके धूप में रख देंगे। कम से कम आपको 20 दिन तक ऐसे धूप में रखना है इसे, 20 से 25 दिन में ये खाने लायक तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया अचार बनकर तैयार हुआ है, बिना तेल का नींबू का अचार बनकर तैयार है। आप इसे 20 दिन बाद खाएं फ्रेंड्स, 20 से 25 दिन बाद, और बहुत ही टेस्टी बना है ये। 2-3 साल तक तो फ्रेंड्स बहुत ही आराम से चल जाता है। तो आप भी इसी तरह बनाइए नींबू का अचार और सबको खिलाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।